तीन प्रकार के जो हनुमान दंड है उनको लगाना कैसे है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। जो देसी मेहनत होती है उसका रिजल्ट ज़बरदस्त होता है। आप भले ही जिम में जाते हो या कोई भी वर्कआउट करते हो, तो जो हमारी देसी दंड है उनकी अलग ही वैल्यू है। उनसे शरीर में अलग ही आपका बल मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त दंड के बारे में, जो है हनुमान दंड। तो पूरी वीडियो में बने रहना और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कितने प्रकार के हनुमान दंड होती है, कैसे ये लगाई जाती है सबसे बेस्ट तरीके से, और क्या इसके बेनिफिट होते हैं, और क्या आप डेली अगर 30 से 100 दंड तक या 50 या 100 दंड डेली अगर आप लगाते हो तो एक महीने में आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अब सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि तीन प्रकार के जो हनुमान दंड है उनको लगाना कैसे है। अब सबसे पहले आपको लगा के दिखाता हूँ पहली दंड। इसमें करना क्या है, इस पोजीशन में हो जाना है, ठीक है, और इसमें एक हाथ के ऊपर पूरी ये दंड लगेगी। पूरा जोर एक हाथ पे रहना चाहिए, जिस साइड का पैर आगे आ रहा है उससे अपोजिट साइड का। कैसे, यू पैर आएगा यहाँ और इस हाथ से इस तरह से जाना नीचे पूरा, और इस तरह से पूरा ऊपर आना है। फिर ये पैर पीछे जाएगा और ये पैर आगे आ जाएगा, और फिर इस हाथ पे पूरा नीचे जाना है, और फिर इस तरह से पूरा ऊपर आना है। अब थोड़ा स्पीड में दिखाता हूँ कि कैसे लगेगी। ये आगे नीचे, ये आगे नीचे, और जितना स्लो लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी बड़ी मसल के साथ आपकी माइक्रो मसल्स के ऊपर भी वो इम्पैक्ट करेगी। और जब दोनों मसल मिलती है तभी बढ़िया आपको रिजल्ट मिलता है। दूसरी डंड हमें कैसे लगानी है, उसी पोजीशन में हो जाना है और राइट वाला पैर उठा के यू लेफ्ट में ले जाना है, और फिर राइट हैंड पे इस तरह से डंड लगानी, फिर दूसरे पैर को ऐसे ले जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड के हैंड पे इस तरह से डंड लगाएंगे। अब इसको थोड़ा और स्लो करना है, जो पहले वाली थी उससे ज़्यादा स्लो करना है। अब दिखाता हूँ आपको कैसे लगेगी। इस तरह से लगेगी। इसमें दोनों डंड में सिंगल सिंगल हैंड का ज़्यादा जोर लगाना है। और अब जो तीसरी डंड दिखाऊंगा आपको हनुमान डंड, उसमें आपको दोनों हाथों का बराबर जोर लगाना है, और एक पैर जमीन पर रहेगा और एक हवा में रहेगा। कैसे लगानी है, फिर से उसी पोजीशन में एक पैर उठा लो, जो एक पैर उठाना है उससे दूसरा पैर सेंटर में रख लेना, और फिर इस तरह से एक पैर को उठा लेना है। यूँ ये बिच्छू की पोजीशन में या हनुमान की पोजीशन में हो जाना है, और इस तरह से डंड लगानी है स्लो, नीचे जाते टाइम बिल्कुल स्लो जाना है, और इस तरह से ऊपर आना है। फिर दूसरे पैर को उठा लो और इस तरह से। अब दिखाता हूँ आपको जो एक्चुअल में लगानी कैसे। इसे उठाया, दूसरे पैर से, मतलब आपको 10-10 डंड के सेट में 10 डंड एक पैर से लगा ली, 10 डंड दूसरे पैर से लगा ली, और आप डेली तीनों डंड भी लगा सकते हो। अब इससे आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आती है। अब ये तो बात हो गई कि डंड लगानी कैसे है, मैंने आपको बता दिया कि ये डंड ऐसे लगेंगे। आपको सांसों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कैसे, जब किसी भी डंड में आप इस पोजीशन में आ गए, अपना सांस अंदर भर ली और होल्ड कर ली, और फिर ऐसे आए, ऐसे गए, फिर वापस आए, अब यहाँ पर वापस सांस छोड़नी है, फिर ऐसे गए, सांस भरी, ऊपर आके फिर सांस छोड़नी है, यूँ आके इस पोजीशन में, मतलब पूरी एक कंप्लीट डंड मारनी है सांस भर के। सांसों का बहुत महत्व है डंड के अंदर। तो कोई सी भी तीनों प्रकार की, या चाहे और भी जो हमारे सपाटे होते हैं, उठ बैठ लंबी डंड की होती है, या जिस भी प्रकार की डंड होती है, उसमें सांस हमें भरनी है डंड मारने से पहले, और डंड मार के फिर जब वो कंप्लीट हो जाए एक डंड, तब सांस छोड़नी है।
रिजल्ट देखना आप गजब आएगा। तो अब बात करते हैं इसके फायदों की। इससे पहले मैं फायदों की बात करूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आगे आने वाली वीडियोज में मैं अलग अलग एक्सरसाइज कैसे लगेगी, क्या एक्चुअल सबसे बेस्ट तरीका उसका लगाने का और क्या उसके बेनिफिट हैं, वो सब उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। प्लस जो अपना डेली रूटीन में जो हम खाना खाते हैं, तो हमारे घर में ही कौन सा ऐसा खाना है जिससे हमें बेस्ट तरीके से रिजल्ट मिल सके, बाहर से सप्लीमेंट ना खरीदने पड़े, तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड आगे वीडियो आने वाली है। और हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे सुधारें, कैसे छोटी छोटी चीज़ों में चेंज करके अपने जीवन को एक चमत्कारिक तौर पर चेंज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज़ में आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो और अब बात करते हैं हनुमान दंड के फ़ायदों की। तो जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है आपका कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इन डंडों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज होगा, क्योंकि जब एज ज़्यादा हो जाती है ना, तो उस टाइम टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डाउन हो जाता है, जिससे जो फैट उसको कंज्यूम करना, बॉडी जो कंज्यूम करती है उसकी स्पीड बहुत लो हो जाती है और चर्बी बहुत जल्दी बढ़ती है, थोड़ा सा खाते ही चर्बी बढ़ जाएगी, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका इंक्रीज होगा। अब मेरी एज है 42 और पिछले 6 महीने पहले 100 किलो वजन था और आज 82 केजी आ चुका है। ना कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिया, ना कोई फैट कटर लिया, ना कुछ, सिर्फ अपना मेहनत करी, रेगुलर करी और ज़्यादातर डंडी लगाई है और दौड़ लगाई है। अब दूसरा जो बेनिफिट है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते ही आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके शरीर से चर्बी जो एक्स्ट्रा फैट है ना, वो गलना जल्दी चालू हो जाएगा। अब जो बोलते हैं ना, ये ड्रिंक पी के 7 दिन में 10 किलो वजन घटाओ, ये करने से 1 महीने में 20 किलो वजन घटाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। शुरू का 2-4 किलो जल्दी घटता है, लेकिन बाद में जो वजन है ना, वो बहुत मुश्किल से घटता है। वो जब ही घटेगा जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और मेटाबॉलिज्म हाई होगा। अब नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, इस दंड से जो हनुमान दंड है तीनों, इनसे आपका शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, ओवरऑल पूरे शरीर में जितनी भी हड्डियाँ वो मजबूत होंगी। नेक्स्ट बेनिफिट है, आपके शरीर में जान बढ़ेगी और शरीर दिखने में सुंदर भी होता चला जाएगा दिन ब दिन। जिम वाला जो शरीर होता है वो होता है शोपीस का, लेकिन जो ये दंड होती है ना, इनका जो शरीर होगा वो सॉलिड होगा और वो लंबे टाइम तक टिकेगा, बुढ़ापे तक आपका शरीर बहुत ज़बरदस्त दिखने में भी सुंदर रहेगा और जान भी रहेगी। जो जिम वाला शरीर होता है उसमें जान नहीं होती इतनी, वो दिखने में ही बस अच्छा होता है। शरीर में अगर जान बढ़ानी है तो देसी दंड लगानी पड़ेंगी खुले में। यहाँ पर एक और बेनिफिट क्या होगा आपका कि आपके फेफड़े मजबूत होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हो खुले में, बढ़िया एनवायरनमेंट है, प्रकृति के साथ जुड़ोगे। और ये दंड है ना, इसमें जब आप सांस भर के लगाते हो तो आपके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं और आपको हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है बेनिफिट, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाएगा, खून आपका जो ज़्यादा गाढ़ा हो रखा होगा पतला हो जाएगा। और बेनिफिट ये है कि आपकी मांसपेशियाँ सुडोल बनेंगी, उनका आकार बढ़िया हो जाएगा, एक्स्ट्रा चर्बी चली जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग आपको शरीर मिलेगा। दूसरा, आपका पूरे दिन फुल एनर्जी रहेगी। अगर आप दोनों टाइम लगा सको एक्सरसाइज तो बढ़िया है, अगर आप 100 हनुमान दंड डेली लगाते हो ना और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, तब भी आप देखोगे 3-4 महीने में आपके ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे, पेट भी कम हो जाएगा, एब्स भी आ जाएंगे, शोल्डर, आपके लेग्स, ये एक तरह से फुल बॉडी वर्कआउट है। और ये आपको इस वर्कआउट का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, इसको आप कहीं भी लगा लो, 2 हीट रख ली या जमीन में हाथ रख लिए, आप कहीं भी गए हुए हो, आप बॉडी वेट से इसको लगा सकते हो। तो ये कितने सारे बेनिफिट हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर अब रोकता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आगे भी मैं ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।